नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर NTA UGC नेट सेट JRF का किताब पा रहा हूँ, जो कि ये आपका MCQ बेस्ड किताब है और आपका इसमें थ्योरी भी दिया गया है। और ये किताब पेपर 1 के लिए, नेट एग्जाम पेपर 1 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। 2021 में किताब आपका आया था मार्केट में और ये PRCL पब्लिकेशन का किताब है और ये KBS मैडम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो हम MCQ सेट प्रैक्टिस करेंगे। आपका लॉजिकल रीजनिंग का जो भी क्वेश्चन इस किताब में दिया गया है, लॉजिकल रीजनिंग का उत्पन्न हो यहाँ पर सेट प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है लॉजिकल रीजनिंग में, देखिए आपके सामने आ गया है। ठीक है, तो लॉजिकल रीजनिंग और इसका हम लोग पहला क्वेश्चन करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम जो है सिर्फ जो भी क्वेश्चन दिया गया उसका सिर्फ आंसर हम लोग डील करेंगे, पूरे ऑप्शन को और पूरे जो भी एक्सप्लेनेशन को इसमें नहीं देखेंगे। आपका इसमें एक्सप्लेनेशन या व्याख्या इसमें नहीं होगा, सिर्फ आपका क्वेश्चन होगा और जो भी आपका राइट आंसर होगा उसी को हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय विच कंक्लूजन इज अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रोपोजिशन इज टर्म्ड ऑप्शन नंबर बी इन्फेरेंस है। द प्रोसेस बाय विच कंक्लूजन इज अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ अदर प्रोपोजिशन इज टर्म्ड ऑप्शन नंबर बी इन्फेरेंस। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रोपोजिशन दैट सपोर्ट द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट आर कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी प्रेमाइसेस। प्रोपोजिशन दैट सपोर्ट द कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट आर कॉल्ड प्रेमाइसेस। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोपोजिशन विच इज अफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्रेमाइसेस कॉल्ड ऑप्शन नंबर सी कंक्लूजन। क्वेश्चन 4 है डिडक्शन एंड इंडक्शन, तो डिडक्शन एंड इंडक्शन आर टू मेन फॉर्म्स ऑफ ऑप्शन नंबर बी सी रीजनिंग। 4-5 है रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर बी इंडक्टिव रीजनिंग। तो ये रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट इज कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिडक्शन इन्फेरेंस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑप्शन बी एनालिटिक है। तो विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिडक्शन इन्फेरेंस कैन बी आइडेंटिफाइड ऑप्शन बी एनालिटिक। क्वेश्चन 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट हैव कॉमन कंक्लूजन ऑप्शन नंबर प्रोपोजिशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट दैट हैव कॉमन कंक्लूजन ऑप्शन नंबर प्रोपोजिशन। तो 8 है द प्रीमाइसेस प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड फॉर कंक्लूजन इज, तो प्रीमाइसेस प्रोवाइड कंक्लूसिव ग्राउंड फॉर कंक्लूजन ऑप्शन नंबर बी डिडक्टिव रीजनिंग। 9 है द डिफाइनिंग फीचर ऑफ वैलिड डिडक्शन इज इट्स, द डिफाइनिंग फीचर ऑफ ए वैलिड डिडक्शन इज इट ऑप्शन नंबर बी सर्टेनिटी। 10 है इंडक्टिव आर्गुमेंट्स आर टाइपिकली, तो इंडक्टिव आर्गुमेंट्स आर टाइपिकली ऑप्शन नंबर बी सिंथेटिक है। क्वेश्चन नंबर 11 है द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इन डिडक्टिव आर्गुमेंट इज बेसिकली ऑफ ऑप्शन नंबर सी इंप्लीकेशन इंटेलमेंट। द रिलेशनशिप बिटवीन प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन इन डिडक्टिव आर्गुमेंट इज बेसिकली ऑफ ऑप्शन नंबर सी इंप्लीकेशन इंटेलमेंट। क्वेश्चन नंबर 12 है इन इंडक्टिव रीजनिंग, तो इन इंडक्टिव रीजनिंग द कंक्लूजन इज ऑप्शन नंबर ए प्रोबेबल। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है तो इन इंडक्टिव रीजनिंग द कंक्लूजन ऑप्शन नंबर ए प्रोबेबल। 13 इंडक्टिव आर्गुमेंट्स आर प्रॉपर्ली कैरेक्टराइज्ड, तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन बी स्ट्रॉन्ग एंड वीक, तो इंडक्टिव आर्गुमेंट्स आर प्रॉपर्ली कैरेक्टराइज्ड ऑप्शन नंबर बी स्ट्रॉन्ग वीक। क्वेश्चन 14 इन लॉजिकल रीजनिंग, तो इन लॉजिकल रीजनिंग ट्रूथ ऑफ फॉल्सहुड इज यूजुअली एसोसिएटेड विद ऑप्शन नंबर सी प्रोपोजिशन। तो इन लॉजिकल रीजनिंग ट्रूथ ऑफ फॉल्सहुड इज यूजुअली एसोसिएटेड ऑप्शन बी प्रोपोजिशन। 15 नंबर क्वेश्चन है वैलिडिटी और इनवैलिडिटी, तो वैलिडिटी और इनवैलिडिटी में भी प्रेडिक्टेड बाय ऑप्शन नंबर ए डिडक्टिव आर्गुमेंट। 16 है द फॉल्सहुड ऑफ ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट्स कंक्लूजन गारंटीज दैट ऑप्शन नंबर बी एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइसेस इज फॉल्स। द फॉल्सहुड ऑफ ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट कंक्लूजन गारंटीज दैट एटलीस्ट वन ऑफ द प्रीमाइसेस इज फॉल्स। 17 नंबर क्वेश्चन है टू बी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट बी ऑप्शन नंबर बी एनालिटिकल, तो भी क्रिटिकल थिंकिंग मस्ट भी ऑप्शन में भी ऑप्शन डी एनालिटिकल। क्वेश्चन 18 है डिडक्टिव आर्गुमेंट इन्वॉल्व, तो डिडक्टिव आर्गुमेंट इन्वॉल्व ऑप्शन नंबर सी सीइंग लॉजिकल रिलेशन। 19 नंबर क्वेश्चन है ए फैलेसी इज, तो ए फैलेसी इज ऑप्शन नंबर बी फॉल्स आर्गुमेंट। 20 है इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर, तो इंडक्टिव रीजनिंग इज बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्मिटी ऑफ नेचर। 24 है If it is possible for the premises of a deductive argument to be true and its conclusion to be false, that argument is option B invalid. 22 है consider the following proposition, तो consider the following proposition A is human and mortal, B is human and mortal, C is human and mortal and D is human and mortal. Therefore all humans are mortal is an example of option B inductive argument. कुछ आपका 23 है Which of the following describes a valid deductive argument with true premises?
ऑप्शन नंबर इज साउंड. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स ए वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट विद ए ट्रू प्रिमाइस. ऑप्शन नंबर साउंड. तो 24 ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज साउंड इफ एंड ओनली इफ इट इज ऑप्शन नंबर ए वैलिड एंड ऑल इट्स प्रिमाइसेस आर ट्रू. तो ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज साउंड इफ एंड ओनली इफ इट इज वैलिड एंड ऑल इट्स प्रिमाइसेस आर ट्रू. कोई आपका 25 है लक्ष्मणा इज मॉरली गुड पर्सन बिकॉज. तो लक्ष्मणा इज ए मॉरली गुड पर्सन बिकॉज ही इज ए रेशनल. 26 है इन टर्म्स ऑफ नेचर बोथ द प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट आर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी प्रोपोजिशन. तो इन टर्म्स ऑफ नेचर बोथ द प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन ऑफ एन आर्गुमेंट आर ऑप्शन नंबर बी प्रोपोजिशन. 27 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ए स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म ऑप्शन नंबर ए प्रोपोजिशन. 28 है स्ट्रक्चर ऑफ ए लॉजिकल आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन. तो स्ट्रक्चर ऑफ ए लॉजिकल आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑप्शन नंबर ए फॉर्मल वैलिडिटी. 29 है इन ए डिडक्टिव आर्गुमेंट कंक्लूजन इज. तो इन ए डिडक्टिव आर्गुमेंट कंक्लूजन इज ऑप्शन नंबर सी इंटेल्ड बाय द प्रीमाइसेस. 30 है सिलोजिस्टिक. तो साइलोजिस्टिक रीजनिंग ऑप्शन नंबर डिडक्टिव. तो साइलोजिस्टिक रीजनिंग इज ए डिडक्टिव. 31 है सिलोजिज्म. ए सिलोजिज्म मस्ट हैव ऑप्शन नंबर 3 टर्म. तो ये सिलोजिज्म मस्ट हैव 3 टर्म. 32 है द टू काइंड ऑफ प्रोपोजिशन आर द टू काइंड ऑफ ऑप्शन नंबर बी कैटेगोरियल कंडीशन. 33 है विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म. तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टर्म ऑप्शन नंबर डी कॉपुला. कोई आपका 34 है ए डिडक्टिव आर्गुमेंट इज वैलिड इफ ऑप्शन नंबर डी प्रीमाइसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन आर ट्रू. 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2 एंड 4 आर राइट है. तो ये आपका गलत है. ठीक है. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर फॉल्स. तो 2 एंड 4 आर फॉल्स है. तो एक ऑगेंट आर्गुमेंट मस्ट बी इंडक्टिवली रॉन्ग इंडक्टिवली स्ट्रॉन्ग. ये गलत है. और एन आर्गुमेंट टू और फोर आपका गलत है. तो आपका फोर हो जाएगा यहाँ. ये गलत है. ठीक है. एन आर्गुमेंट में लेगिटिमेटली बी स्पोकन ऑफ एस टू ऑफ फॉल्स. ये गलत है. ठीक है. और वन और थ्री ऑफ सही है. तो इंडक्टिव आर्गुमेंट ऑलवेज प्रोसीड फ्रॉम द पार्टिकुलर टू द जनरल एंड ए वैलिड आर्गुमेंट मे हैव ए फॉल्स प्रीमाइसेस एंड फॉल्स कंक्लूजन. 36 है द सम टोटल ऑफ द सम टोटल ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू विच ए टर्म कैन बी अप्लाइड इज इट्स ऑप्शन नंबर ए कोनोटेशन. द सम टोटल ऑफ द ऑब्जेक्ट टू विच ए टर्म कैन बी अप्लाइड इज ऑप्शन नंबर ए कोनोटेशन. कुछ आपका 37 है डिनोटेशन इज द सेम एज. तो डिनोटेशन इज ऑप्शन नंबर एक्सटेंशन. 38 है द फंक्शन ऑफ सजेस्टिंग. द फंक्शन ऑफ सजेस्टिंग क्वालिटीज प्रोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्टिव यूनिट ऑप्शन नंबर सी कोनोटिंग. 39 है कोनोटेशन इज द सेम एज ऑप्शन नंबर इंटेंशन. 40 है इन ए कैटेगोरियल प्रोपोजिशन द प्रेडिकेट इज आइदर अफर्म्ड और डिनाइड ऑफ द सब्जेक्ट. तो इन ए कैटेगराइज एंड इन ए कैटेगोरियल प्रोपोजिशन द प्रेडिक्ट इज प्रेडिकेट इज आइदर अफर्म्ड और डिनाइड ऑफ द सब्जेक्ट ऑप्शन नंबर ए अनकंडीशनली. 41 है द प्रोपोजिशन इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड इज एग्जांपल ऑफ ऑप्शन बी कंडीशनल प्रोपोजिशन. 42 है डिसजंक्टिव प्रोपोजिशन इज ए टाइप ऑफ ऑप्शन नंबर ए कंडीशनल प्रोपोजिशन. 43 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. तो आपका जो है 3 और 4 आई राइट है आपका. तो एक ऑगमेंट आर्गुमेंट मे हैव ए प्रोबेबली फॉल्स कंक्लूजन और स्टेटमेंट मे बी ट्रू और फॉल्स. ये आपका दोनों सही है. सम आर्गुमेंट्स वाइल नॉट कंप्लीटली वैलिड और ऑलमोस्ट वैलिड और आपका जो साउंड आर्गुमेंट मे बी इनवैलिड. ये आपका गलत है. ठीक है. क्वेश्चन आपका 44 है अफर्मेटिव और निगेटिव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ. तो अफर्मेटिव और निगेटिव इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑप्शन में भी क्वालिटी. कोई आपका 45 है यूनिवर्सल और पार्टिकुलर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन में क्वांटिटी. तो यूनिवर्सल और पार्टिकुलर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी. 46 है प्रोपोजिशन इन विच द प्रेडिकेट रेफर्स टू ऑल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑप्शन में यूनिवर्सल. 47 है ए प्रोपोजिशन इन विच द प्रेडिकेट बिलोंग टू ओनली टू ए पार्ट ऑफ द डिनोटेशन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर ए पार्टिकुलर. 48 है इंडिविजुअल प्रोपोजिशन आर टू बी रिगार्डेड ऑप्शन नंबर यूनिवर्सल. तो इंडिविजुअल प्रोपोजिशन आर टू बी रिगार्डेड ऑप्शन नंबर यूनिवर्सल. द प्रोपोजिशन ऑल मेन आर मोर्टल एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल अफर्मेटिव. द प्रोपोजिशन ऑल मेन आर मोर्टल इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन नंबर यूनिवर्सल अफर्मेटिव. द प्रोपोजिशन नो मेन आर परफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल नेगेटिव. तो द प्रोपोजिशन नो मेन आर परफेक्ट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन नंबर बी यूनिवर्सल नेगेटिव. सम फ्लावर्स आर ग्रीन. तो सम फ्लावर्स आर ग्रीन इज एन एग्जांपल ऑफ ऑप्शन नंबर सी पार्टिकुलर अफर्मेटिव. तो सम फ्लावर्स आर ग्रीन
इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन बी पार्टिकुलर अफर्मेटिव। 52 द प्रोपोजिशन सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन डी पार्टिकुलर नेगेटिव। तो द प्रोपोजिशन सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन नंबर डी पार्टिकुलर नेगेटिव। व्हेन ए टर्म इज द व्हेन ए टर्म इज यूज्ड इन इट्स एंटायर एक्सटेंट रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट म्यूटेड बाय द टर्म इट इज सेड टू बी ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो व्हेन ए टर्म इज यूज्ड इन इट्स एंटायर एक्सटेंट रेफरिंग टू द ऑब्जेक्ट म्यूटेड बाय द टर्म इट इज सेड टू बी ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, when a term refers only to a part of the class of thing denoted by the term is said to be, so when a term refers only to a part of the class of the thing denoted by the term is said to be option number a and distributed। 55 number question hai, universal affirmative proposition distributes, so universal affirmative proposition distribute option number a subject hai। 56 hai, universal negative proposition distributes, so universal negative proposition distribute option number c both subject and predicate। 57 hai, पार्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट, तो पार्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन नंबर डी नाइदर सब्जेक्ट नॉर प्रेडिकेट। 58 है पार्टिकुलर निगेटिव प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट, तो पार्टिकुलर निगेटिव प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट ऑप्शन नंबर बी प्रेडिकेट। 59 है द प्रोसेस ऑफ पासिंग डायरेक्टली फ्रॉम ए सिंगल प्रोपोजिशन टू ए कंक्लूजन इज ऑप्शन नंबर इमीडिएट इन्फेरेंस। द प्रोसेस ऑफ पासिंग डायरेक्टली फ्रॉम ए सिंगल प्रोपोजिशन टू ए कंक्लूजन इज ऑप्शन नंबर इमीडिएट इन्फेरेंस। 60 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग असर्ट द अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आफ्टर हैविंग कंपेयर्ड ईच विद मिडिल टर्म। तो विच ऑफ द फॉलोइंग असर्ट्स द अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट आफ्टर हैविंग कंपेयर्ड ईच विद मिडिल टर्म ऑप्शन में बी मीडिएट इन्फेरेंस। 61 है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू यूनिवर्सल प्रोपोजिशन हैविंग द सेम सब्जेक्ट बट डिफरिंग क्वालिटी ओनली ऑप्शन नंबर ए कॉन्ट्रारी proposition। Which of the following shows the relationship between two universal proposition having the same subject but differing in quality only option may be a contrary opposition। 62 which of the following terms shows the relationship between two proposition having the same subject but differing in quality and quantity option may be contradictory opposition। So which of the following terms shows the relationship between two proposition having the same subject but differing in both quality and quantity contradictory opposition। 63 the relationship the relations between two particular of proposition that have the same subject and predicate but differing in quality is option number d cos of contrary। Question number 64 which of the following shows that an opposition is the relationship between two proposition having the same subject and predicate but differing in quantity is only option number c subalteration। 65 if one of the contraries is true then the truth value of the other is option number c false। 66 if one of the contraries is false then the truth value of the other is option b doubtful। 67 if one of the contradictories so if one of the contradictories is true then the other must be false। 68 both the contrary proposition cannot be so both the contrary proposition cannot be option b true। 69 of the two sub contraries of the two sub contraries if one is false the other is necessarily option number a true। 69 70 if one of the two sub contraries is true then the other one is option number c doubtful। So if one of the two sub contraries is true then the other one is doubtful। 71 between sub alternation so between sub alternation if the universal is true then the particular is true। 72 if the particular proposition of a sub alternation relation is false then its corresponding universal proposition will be false। So if the particular proposition of a sub alternation relation is false then its corresponding universal proposition will be false। 73 if a particular proposition so if a particular proposition of a sub alternation relation is true then the truth value of the universal proposition is option b doubtful। Question 74 the proposition chanakya is wise is an example of option number b singular proposition। The proposition chanakya is a wise is an example of option number b singular proposition।
75 है, द क्वांटिटी ऑफ द प्रपोजिशन, द क्वांटिटी ऑफ प्रपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द ऑप्शन वाइज सब्जेक्ट है, द क्वांटिटी ऑफ द प्रपोजिशन इज डिटरमाइंड बाय द एक्सटेंशन ऑफ द सब्जेक्ट है। 76 है, इन ए कंडीशनल प्रपोजिशन, इन ए कंडीशनल प्रपोजिशन द पार्ट विच एक्सप्रेसेस द कंडीशन बाय इफ और इट्स इक्विवेलेंट इज ऑप्शन नंबर एंटीसीडेंट। तो इफ इन ए कंडीशनल प्रपोजिशन द पार्ट विच एक्सप्रेसेस द कंडीशन बाय इफ और इट्स इक्विवेलेंट इज ऑप्शन नंबर एंटीसीडेंट। क्वेश्चन आपका 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब द सिलोजिज्म, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सिलोजिज्म, ऑप्शन नंबर ए इमीडिएट एंड डिडक्टिव। 78 है, द मेजर टर्म इज द ऑप्शन सी प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन, द मेजर टर्म इज द प्रेडिकेट ऑफ द कंक्लूजन। 79 है, द माइनर टर्म इज द ऑप्शन नंबर सब्जेक्ट ऑफ द कंक्लूजन। 80 है, द टर्म विच अकर्स इन द प्रीमाइसेस एंड नॉट इन द कंक्लूजन इज ऑप्शन नंबर सी मिडिल टर्म, द टर्म विच अकर्स इन द प्रीमाइसेस एंड नॉट इन द कंक्लूजन इज ऑप्शन नंबर सी मिडिल टर्म। 81 है, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ए इंटरमीडियरी, ऑप्शन नंबर बी मिडिल टर्म, तो विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एन इंटरमीडियरी, ऑप्शन नंबर बी मिडिल टर्म। 82 है, हाउ मेनी टाइम्स ईच टर्म अकर्स इन द सिलोजिज्म, ऑप्शन नंबर बी ट्विस्ट है, तो हाउ मेनी टाइम्स ईच टर्म अकर्स इन द सिलोजिज्म, ऑप्शन नंबर बी ट्विस्ट है। 83 है, ऑल इंडियंस आर हार्ड वर्किंग, ऑल पंजाबी आर इंडियन, देयरफॉर ऑल पंजाबी आर हार्ड वर्किंग, द आर्गुमेंट इज ऑप्शन नंबर सी वैलिड है, आपका वैलिड आर्गुमेंट है। 84 है, इफ वन प्रीमाइस इज नेगेटिव देन द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव, इफ वन प्रीमाइस इज नेगेटिव देन द कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। 85 है, कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ प्रीमाइसेस यील्ड्स नो वैलिड कंक्लूजन, ऑप्शन में भी पार्टिकुलर, तो कॉम्बिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ प्रीमाइसेस यील्ड्स नो वैलिड कंक्लूजन, ऑप्शन में भी पार्टिकुलर। 86 है, नो कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम टू, ऑप्शन में सी नेगेटिव प्रीमाइसेस, तो नो कंक्लूजन इज पॉसिबल फ्रॉम टू नेगेटिव प्रीमाइसेस, इफ वन प्रीमाइस इज पार्टिकुलर देन द कंक्लूजन मस्ट बी ऑप्शन में भी पार्टिकुलर, तो इफ वन प्रीमाइस इज पार्टिकुलर then the conclusion must be particular. 88 है, which one of the following is not an argument, so if it's today is Tuesday, tomorrow will be Wednesday, तो ये आपका सही argument नहीं है। 89 है, which one of the following statement is completely nonsensical, तो which one of the following statement is completely nonsensical, option में भी he is a bachelor, he must but he married recently, तो ही जे बैचलर बट ही मैरिड रिसेंटली, यह गलत है। कोई आपका 90 है, वेन डायग्राम इज ए काइंड ऑफ डायग्राम टू, तो वेन डायग्राम इज ए काइंड ऑफ डायग्राम टू, ऑप्शन नंबर बी रिप्रेजेंट एंड एक्सेस एसेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फेरेंसेस विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा ऑफ क्लासेस, तो वेन डायग्राम इज ए काइंड ऑफ डायग्राम टू रिप्रेजेंट एंड एक्सेस एसेस द वैलिडिटी ऑफ एलिमेंट्री इन्फेरेंसेस विद द हेल्प ऑफ बुलियन अलजेब्रा ऑफ क्लासेस। 91 है, ए इज ट्रू, A is true but because B is true because A is true, this type of argument is termed as option number is circular argument. 92, which of the following is an example of circular argument, so which of the following is an example of circular argument, option number B, God is the source of scripture and the scripture is the source of our knowledge of God. 93, determine the nature of the following definition, poor means having an annual income of rupees 1000, option number B, precising. 94 है, इन द एक्सप्रेशन नथिंग इज लार्जर देन इटसेल्फ, द रिलेशन इज द लार्जर देन, तो इन द एक्सप्रेशन नथिंग इज लार्जर देन इटसेल्फ, द रिलेशन इज लार्जर देन, ऑप्शन नंबर डी इररिफ्लेक्सिव। क्वेश्चन आपका जो है 95 है, डिटरमाइन द नेचर, तो डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन, अबॉर्शन मीन्स द रूथलेस मर्डर ऑफ इनोसेंट बिगिनिंग, तो डिटरमाइन द नेचर ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन, अबॉर्शन मीन्स द रूथलेस मर्डर ऑफ इनोसेंट बिगिनिंग, ऑप्शन बी पर्सुएसिव। 96 है, which one of the following is not an argument, तो which one of the following is not an argument, option में भी if everyone is growing fat and if he does not eat it during the day he will be eating at night. 97 है, if P is true Q is true, if P is false Q is false, the relation of this proposition is option number 6 sub contrary, तो if P is true Q is true, if P is false Q is false, the relation of this proposition is ऑप्शन नंबर 1 सब कॉन्ट्रारी। 98 है, द टू प्रपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स बट डिफरेंट इन क्वालिटी आर ऑप्शन नंबर डी सब कॉन्ट्रारी, द टू प्रपोजिशन विद द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म्स बट डिफरेंट इन क्वालिटी आर ऑप्शन नंबर डी सब कॉन्ट्रारी। 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑलवेज ट्रू, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन बी 1 3 4,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ऑलवेज ट्रू, तो 1, 3, 4, ए वुडन टेबल इज अ टेबल एंड द सन राइजेस इन द ईस्ट एवरी डे एंड आपका जो है द चिकन कम्स आउट ऑफ ए हेन, ये आपका तीनों सही है, ठीक है। क्वेश्चन 100, अ पर्सन एजुकेटेड टू ए फॉरेन लैंग्वेज आर श्योर टू बी अनपैट्रियोटिक, मार्क द करेक्ट आंसर एज फॉलोज, तो पर्सन एजुकेटेड टू ए फॉरेन लैंग्वेज आर श्योर टू बी अनपैट्रियोटिक, मार्क द आंसर एज फॉलोज, ऑप्शन नंबर डी स्टेटमेंट, द स्टेटमेंट इज ए प्रीजुडाइस, ठीक है, द स्टेटमेंट इज प्रीजुडाइस, ये आपका गलत है, बाकी आपका सब सही है, ठीक है। तो इस प्रकार हम देखें 100 तक, कल हम 101 से पढ़ेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।